आका, आप परेशान क्यों हैं? अब तो आपका बदला पूरा होने वाला है, अब परेशानी कैसी? जफर का सच सामने आकर रहेगा। मैं जफर की वजह से परेशान नहीं हूं अंगूठी छाप। तो फिर जिनू की वजह से? तू किसके लिए भाई मेरे भाई? मेरी नकचड़ी के लिए। या अल्लाह, भाई मेरे भाई के साथ नकचड़ी, नकचड़ी के साथ भाई मेरा भाई, जैसे मलाई में चीनी और चीनी के साथ मलाई। वैसे भाई मेरे भाई, मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम दोनों के बीच कुछ अब काम की बात, वक्त बहुत कम है क्योंकि सोल मीनार का काम पूरा हो चुका है और जफर राजे कायनात का दरवाजा कभी भी खोलने वाला है। ऐसे नहीं तो वैसे हमें नकचड़ी को जफर की असलियत तक ले जाना होगा। पर एक दिक्कत है। क्या? खुद नकचड़ी। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। जरा से भी भनक, छोटा सा भी सबूत, हल्का सा भी सुराग उसे मिल गया ना तो वो शहजादी से खतरों के खिलाड़ी काली चोरनी बन जाएगी और ऐसे अकेले मुश्किलों का सामना करने निकल पड़ेगी। और अब तो उसे मुझ पर थोड़ा यकीन भी है, इसलिए वो जोश में भी है। अंगूठी छाप ज्यादा जोश यानी कम खौफ, कम खौफ यानी कम तैयारी, और कम तैयारी यानी खतरा। ऐसा कुछ नहीं होगा आका। क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता, मैं बस अपनी नकचड़ी को अच्छी तरह से जानता हूं। खतरा उठाने के नाम पर खुद को भूल जाती है, अपनों के लिए जान पे लड़ जाती है, सबकी फिक्र करती है लेकिन खुद की फिक्र नहीं करती। और एक बार फैसला कर ले तो देखो, हमें बहुत होशियार रहना होगा। नकचड़ी बहुत जिद्दी है, मैं उसे अरे अच्छी तरह जानते हैं। कसम सोने की अशरफियों की, नाजनीन ने वजीर आला से वादा किया है कि वो उनके लिए जासूसी करेगी। नाजनीन अपने चूहे जैसे शौहर का सर फोड़ सकती है पर अपना वादा नहीं तोड़ सकती। सोने की अशरफियों की, ये तिलस्मी चश्मा शहजादी के पास कैसे? चश्मा तो टूट गया था, शहजादी ने बनवा लिया होगा। ये चश्मा तो शहजादी से नाजनीन चुरा के रहेगी। जरा शहजादी इस कमरे से बाहर आए तो सही। हमें याद है काली चोर ने हमसे कहा था कि अंगूठी छाप ने शेख जिनू का चिराग चुरा कर मुच्छड़ को दिया था और आज हमने खुद देखा कि इतने दिनों से वजीर आला जिसे अपना भाई जुनैद कह रहे थे वो जुनैद नहीं बल्कि शेख जिनू थे। तभी तो जुनैद मियां के बारे में आज तक ना ही किसी ने सुना और ना ही कभी उन्हें देखा। और वजीर आला ने रातों रात जुनैद मियां को यहां लाके अपना भाई कह दिया। ये हमारे ममेरे भाई हैं, जुनैद खान साहब है। सलाम। और जिस तरीके से वो उनसे बात करते हैं, जैसे जैसे वो उनपे हुक्म देते हैं, ऐसा लगता है कि वो उनके भाई नहीं बल्कि 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 जिन हो। लेकिन वजीर आला का शेख जिनू से क्या ताल्लुक हो सकता है और वजीर आला का ताल्लुक मुच्छड़ से कैसे? हमें वजीर आला की जासूसी करनी होगी और नेक काम में देरी कैसे?
किसी को दौलत की लालच होती है, किसी को शोहरत की, लेकिन इस कमबख्त मोटी औरत को इसे तो हर एक चीज की लालच है। जरूर ये शहजादी के पीछे चोली की फिराक से जा रही है, लेकिन मैं इसका काम नहीं होने दूंगा। मुझे मेरी चुड़ैल के पास जाना है। चुड़ैल, मैं आ रहा हूँ ताकि तेरी चोटी ले सकूं और राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए पहला दरवाजा खोल सकूं। मोटी औरत, ये है महल का बावर्ची खाना। खाना बनाने का वक्त हो रहा है। यही सही वक्त है जब सभी औरतें यहाँ आएंगी लजीज खाना बनाने, और मैं अपनी चुड़ैल ढूंढूंगा। जिस तरह आदमी की पहचान होती है उसके नाम से, उसकी शक्ल से, उसी तरह से चुड़ैल की पहचान होती है उसके उल्टे पांव से। जिस भी औरत के उल्टे पांव हुए वही होगी मेरी चुड़ैल। सुनो सुनो सुनो, वजीरे आला ने एक नई हिदायत दी है कि आज से इस महल के बावर्ची खाने में साफ सफाई बढ़ा देनी चाहिए। इसलिए आज से आप लोग अपने हाथों के साथ साथ अपने पांव भी साफ करके अंदर जाएंगी। चलिए एक एक करके इस पांवदान में अपने पांव साफ करके ही अंदर जाइए। सबके पांव सीधे, अब कैसे मिलेगी मेरी चुड़ैल? वजीरे आला की शाही खजाने का हिसाब किताब का मुआयना करने का वक्त है। उनके कमरे में जाकर छानबीन करने का इससे बेहतर वक्त हमें कभी नहीं मिलेगा। कसम सोने की अशरफियों की, उस तरफ तो वजीरे आला का कमरा है। शहजादी वहां क्यों गई? चल नाज़नीन, जासूसी। तहकीकात। वजीर आला और अली अभी अभी बाहर गए, उनको वापस आने में काफी वक्त लगेगा, और उनकी गैर हाजिरी में हम उनके कमरे की तलाशी लेंगे। जा रही है। खैर मुझे क्या, ये वजीरे आला के कमरे से बाहर निकले तो मैं तिलस्मी चश्मा उनसे छीन लूंगी, और फिर। लेकिन इस काम के लिए तो नाज़नीन को एक साथी की जरूरत पड़ेगी। कहाँ है मेरा चूहा? अली साहब, इस लाल जान की रात का हमें एक अरसे से इंतजार था, वो बहुत जल्द करीब आने वाली है। आप हमसे पूछ रहे थे ना कि हम क्या करने वाले हैं। हम राज कायनात की तरफ अपना कदम बढ़ाने वाले हैं, और हम आज सोन मीनार के अंदर वो करने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया और ना आगे चलकर करने की सोच भी पाएगा। बेहतरीन बेहतरीन, मेरे दोस्त वजीर आला के जलवे के हलवे का क्या कहें? अली साहब, आप सिर्फ लफ्जों के जादूगर हैं, जलवे के हलवे। सारे संदूकों पर ताले लगे हुए हैं, हम तलाशी लेंगे भी तो कैसे? मुच्छड़ की दाढ़ी, क्या ये वाकई मुच्छड़ की दाढ़ी है? Thank you.
मैं अब क्या करूं? मुझे मेरे उल्टे पांव वाली चुड़ैल तो मिली नहीं, क्या होगा? मेरे पास दूसरा भी तरीका है। चुड़ैल की पहचान उसके उल्टे पांव से होती है और उसकी काली लंबी चोटी से होती है। एक काम करता हूं, सभी औरतों को बाहर निकालता हूं और धीरे से उनकी चोटी देखता हूं। जिसकी भी चोटी रात सी काली और उम्र सी लंबी हुई, वो होगी मेरी चुड़ैल। सुनिए सुनिए सुनिए, वजीर आला ने एक नया फरमान निकाला है। हाथ पांव के साथ साथ अब आप लोगों को अपनी चोटी कस के बांध के ही अंदर बावर्ची खाने में काम करना होगा। इसलिए आप सब लोग वापस बाहर निकलिए और अपनी चोटी एक एक करके मुझे दिखाइए। जिसकी चोटी कस के बंधी होगी वही अंदर काम कर सकती है। मोटी पतली लंबी छोटी हर तरह की चोटी देखी, बस चुड़ैल की चोटी नहीं देखी। सुना है जुनैद मियां अली साहब की बहन के इश्क में दीवाने हो गए। हाँ, तभी ऐसे बहके बहके हरकतें कर रहे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या मैं सच में दीवाना हो गया हूँ? क्या सच में सारा जी भी मेरी तरह दीवानी हो गई है? और क्या सच में मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं दिख रही? अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो आप इस ऐनक से उसे देख सकते हैं। मैं शहजादी के उस खूबसूरत ऐनक से सच्ची मोहब्बत को देखूंगा। वजीर आला के कमरे में कुछ भी नहीं मिला, हो सकता है उन्होंने सारे सबूत सारे सुराग छुपा दियो। वजीर आला पर हमारा शक और पुख्ता होता जा रहा है। ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे आज तक हमारी आंखों के सामने झूठ के बादल छाए हुए थे जो आप छटने वाले हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? ये धोखा दे रहे हैं। क्या? काले सायों को कसम सोने की अशर्फियों की, बगदाद में उल जलूल चीजें हो रही हैं। इन वारदातों को मद्देनजर रखते हुए नाज़नीन का तो दिल बेचैन सा हो गया है। शहजादी, आप ऐसे कैसे खड़ी हैं? आंखें बंद कीजिए शहजादी साहिबा, और ये धुआं लीजिए ताकि आप भी महफूज हो जाएं। आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए। कीमती है न तोड़ दिया मोटी औरत। ये आपने क्या किया? हटिए। इससे पहले कि हमारा गुस्सा आप पर आग बन के बरसे, आप यहाँ से जाइए और कभी महल में वापस नजर मत आइए। जाइए। जा रहे जा रहे जा रहे। शाबाश। पता चलने ही वाला था कि सारा जी मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है कि नहीं, कि तभी ये मोटी औरत बीच में आ गई। दो प्यार करने वालों के बीच जब भी कोई आया है वो बुरा होता है, दिल का काला होता है, शैतान होता है, हैवान होता है। और ये औरत तो चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल? अभी तक मैं चुड़ैल की तलाश कर रहा था
तो चुड़ैल नहीं मिली तो क्या हुआ? चुड़ैल जैसी औरत तो मिल गई। अब मैं इस चुड़ैल जैसी औरत की चोटी और इसके बेवकूफ शौहर की टोपी आज ही आका को दूंगा, ताकि आज ही राज कायनात तक पहुंचने के लिए पहले दरवाजे का रास्ता खुल जाए। इतने सारे सवालों के साथ साथ कुलपतन के अम्मी अब्बू जैसे बेवकूफों के साथ भी घिरे हुए हैं। आज इतना कुछ हो गया, ना ही खुद समझने का वक्त मिला और ना ही किसी और को समझाने के लिए कोई सबूत। आओ, 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 जाओ। आप मुझसे कह रही हैं शहजादी? यहाँ और कौन है जिससे हम कहेंगे? चिड़िया है ना। देखिए, आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। शहजादी, मैं आपको अकेला छोड़ सकता हूँ, लेकिन इन भूखी चिड़ियों को कैसे छोड़ूं? आपको पता है, इनको खाना खिलाने से दुआ मिलती है, और इस वक्त मुझे दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके होने वाले शौहर के लिए भी और अपने प्यारे दोस्त वजीर आला के लिए भी। वजीर आला? किसी ने आपको बताया नहीं? खाना पीना छोड़कर रात दिन एक करके सोन मीनार को बनवाने में लगे हुए हैं, और अब तो वो काम पूरा होने के कगार में भी आ गए। आज वो वहाँ कुछ बहुत बड़ा करने वाले, और वो क्या करने वाले ये सिर्फ वजीर आला और वो जुनैद मियां जानते हैं। इसलिए तो मैं उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ, ये कि वो जो भी करे ना कामयाब, मेरा मतलब कामयाब हो जाए। आप भी यही करने आई हैं ना? हमने वजीर आला से कहा था कि सोन मीनार का काम फौरन रुकवा दिया जाए, उन्होंने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है, और ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने अपनी चिड़िया को दाना डाल दिया है, और मेरी चिड़िया बहुत सयानी है, सब संभाल लेगी। शक को यकीन में बदलने के लिए हमें सबसे पहले वहां पहुंचना होगा जहां वजीर आला है, और फिर हम शेख जिनों से उनके जिन के रूप में मिलेंगे, जिस सोन मीनार के बारे में हम इतने वक्त से सुन रहे थे, आज हम उससे करीब से देखेंगे। इतने वक्त से हम गलतफहमियों के अंधेरे में थे, लेकिन अब सच के सूरज को निकलना ही होगा। शहजादी, हला, माफ कीजिएगा, इस तरह बिना बताए आपके कमरे में आ गई। दरअसल मैं दरगाह गई थी, आपके लिए काला धागा लाई, ये हमेशा आपकी हिफाजत करेगा। शुक्रिया खाला, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अब बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी बात मान ली और महल वापस आ गई। ऊपर वाला आपकी हमेशा हिफाजत करे। बस आज के दिन ही इन दुआओं की जरूरत है, अब सब अच्छा होगा। आज के दिन? आज कोई खास दिन है? नकचड़ी सोन मीनार के लिए रवाना होने वाली होगी, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं जाने दूंगा। बेहद खास खाला, हम चलते हैं, हम आपको आके बताएंगे। खुदा हाफिज। शहजादी का साथ देना।
मेरी चिड़िया सयानी है तो मैं उससे ज्यादा सयाना हूँ, लेकिन सफर का सामना नक्षड़ा अकेले नहीं कर पाएगी, उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। आपका पाँव मुड़ गया है, आपको बहुत चोट लगी है, आइए। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। बच्चों की तरह जिद मत करिए, आइए आपको आराम की जरूरत है। मैं आपको अपने से छुड़ा दूँ। नक्षत्री ने पीछे हटना नहीं सीखा और जफर को सिर्फ और सिर्फ पीछे से वार करना आता। वो जहाँ गई है वहाँ उसे जफर की चनाकी और जिनू के जादू का सामना करना पड़ सकता, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं पड़ने दूंगा नक्षत्री, मैं आ रहा हूँ।